सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो जो है फुल डे ऑफ ईटिंग के बारे में होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो है व्रत का सीजन चल रहा है, तो बहुत लोगों के पेरेंट्स जो है उनको जो नॉनवेज फूड्स है उनको कंज्यूम करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए और जो मेरे वेजिटेरियन भाई है उन सबके लिए जो है ये डाइट बहुत अच्छी रहेगी। इस डाइट के अंदर जो है एक अच्छे अमाउंट में प्रोटीन, हाई अमाउंट में कार्ब्स और एक अच्छे अमाउंट में फैट्स भी है, तो एक बैलेंस डाइट है। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो है इस डाइट को सेम टू सेम फॉलो करें, आप इसको जो है अपने फिटनेस लेवल के टाइप से एनहांस कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी जरूरी नहीं है कि जो फूड्स मैंने इसमें यूज करे आपको सेम टू सेम यूज करने हैं। जैसा कि मैंने अगर यहाँ पे ओट्स यूज करा है तो जरूरी नहीं है कि आपको ओट्स यूज करना है, आप जो है दलिया वगैरह भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना करें कि आप जो हेल्दी फूड सोर्सेज है उनको रिप्लेस कर दे और उनकी जगह जो है जंक फूड सोर्सेज ऐड कर दे अपनी कन्वीनियंस के लिए, या फिर अपनी हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए आप कुछ भी उटपटांग खा रहे जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसा ना करें, अच्छे फूड सोर्सेज रिप्लेस करें और ऐसे फूड कॉम्बिनेशन बनाएं जो कि आप कंज्यूम कर सकते हैं ज्यादा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ऐसा ना हो कि आप जो है बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट बना ले और उसको जो है ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो ना कर पाए। सो इसलिए ऐसी चीजें ऐड करें अपनी डाइट में जो कि आपको हेल्दी रखेगी, आपको अच्छे अमाउंट में जो मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड करेगी और आप जिनको जो है लॉन्ग टर्म के लिए कंज्यूम कर पाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपने मील नंबर वन पर। सो हे गाइस, ये है हमारा मील नंबर वन। यहाँ पे जो है मैंने 40 ग्राम ओट्स लिया है जिसको मैंने 250 ml मिल्क में कुक करा है। इसके अंदर मैंने 10 बादाम और कुछ अमाउंट में किशमिश भी ऐड करी है टेस्ट के लिए, और साथ ही साथ ये फ्लैक्स भी ऐड करे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए। साथ ही साथ इसके अंदर जो है मैंने 1 टेबलस्पून हनी भी ऐड करा है इसको और एक्स्ट्रा टेस्ट प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ पे जो है हमारे 2 ब्रेड्स है होल व्हीट ब्रेड के, जिसमें मैंने पर स्लाइस जो है 1 टेबलस्पून पीनट बटर यूज करा है। पीनट बटर को जो है आप अपनी डाइट में जरूर ऐड करें क्योंकि पीनट बटर से जो है आपको एक अच्छे अमाउंट में प्रोटीन और फैट्स मिल जाता है, और ब्रेड की हेल्प से जो है आपको यहाँ पे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं इंस्टेंट एनर्जी के लिए। जो ओट्स है उससे जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे लॉन्ग टर्म एनर्जी के लिए। फ्लैक्स सीड से जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेंगे और आलमंड से जो है हेल्थी फैट्स मिलेंगे जो कि आपके बॉडी के लिए जो है अच्छे हैं। सो इस मील को जो है आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको एक्जैक्टली सेम टू सेम मील यूज करना है, आप इसके अंदर अपने मन के फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आप आलमंड्स की जगह अखरोट यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं, वो सारी आपकी चॉइसेस है। लेकिन अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो कम कैलोरीज के लिए आप क्या कर सकते हैं, टेबलस्पून हनी जो है उसको अवॉइड कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो पीनट बटर यूज हुआ है वो होममेड पीनट बटर है। इसको मैंने पहले पीनट्स को रोस्ट करके फिर क्रश करके और उसके अंदर थोड़ा सिनेमन ऐड करा है इसको टेस्ट देने के लिए। बाकी अगर आपको अपना पीनट बटर जो है अगर बाहर से बाय करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ही बाय करें जिसके अंदर 100% पीनट्स यूज हुए हो। कुछ कंपनीज क्या करती है कि उनके अंदर हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स ऐड कर देती है कंसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए, वो जो है आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। तो अगर आप चाहे तो घर पे भी पीनट बटर बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बाहर से बाय करें तो ऐसे पीनट बटर बाय करें जिसके अंदर 100% पीनट यूज हुआ हो, कोई ऑयल्स वगैरह एडिड ना हो। सो ये है हमारा मील नंबर वन। अगर आप देखें तो एक बैलेंस्ड मील है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन है अच्छे अमाउंट में। सो इसको मैं कंज्यूम करता हूँ और आपसे मिलता हूँ मील नंबर टू पे। सो ये गाइस, ये है हमारा मील नंबर टू। यहाँ मील नंबर टू में जो लिया है मैंने लिया है प्रोटीन सोर्स के लिए लिया है 50 ग्राम सोया चंक्स, और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स है वो यहाँ पे हमारा रोटी, अच्छे अमाउंट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, और एक ऐसा सोर्स जो कि हर चीज में बैलेंस है प्रोटीन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स में, वो है हमारा कर्ड। अब जब आप वेजिटेरियन है तो आप रोटी और कर्ड को जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें। कर्ड से जो है आपको हाई अमाउंट में प्रोबायोटिक्स मिलते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। रोटी से जो है आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी देते हैं, और साथ ही साथ अच्छा प्रोटीन भी मिलता है। आप यहाँ पे रोटी की जगह राइस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन राइस से जो है प्रोटीन इतना नहीं मिलता, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। अगर आप रोटी को इंक्लूड करेंगे तो आपको प्रोटीन भी अच्छे अमाउंट में मिलेगा। कर्ड से भी आपको अच्छे अमाउंट में प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, और सोया चंक से जो है आपको एक बहुत अच्छे अमाउंट में प्रोटीन मिलता है। 50 ग्राम यहाँ पे मैंने सोया चंक्स लिया है और 50 ग्राम सोया चंक्स में से मेरे को यहाँ पे 26 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है और अच्छे अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहा है। तो ये जो है एक और बैलेंस्ड मील है जिसमें अच्छे अमाउंट में फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है और प्रोटीन है। सो अब मैं इस मील को खाता हूँ और आपको मिलता हूँ मील नंबर थ्री पे जो कि हमारा डिनर। सो हे गाइस, ये है हमारा मील नंबर थ्री। यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है वो हमारे ब्राउन राइस है, 200 ग्राम मैंने ब्राउन राइस लिया है। यहाँ पे हमारे प्रोटीन के सोर्सेज जो है वो है पनीर, 100 ग्राम पनीर लिया है, और साथ में यहाँ पर जो है एक कटोरी राजमा है। आप एक कटोरी दाल भी ले सकते हैं या फिर एक कटोरी छोले भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। और साथ ही साथ फैट्स के लिए जो है हेल्दी फैट्स का सोर्स जो यहाँ पे है वो हमारा पनीर है, अच्छे अमाउंट में फैट्स मिल जाते हैं। तो ये हमारा मील नंबर थ्री। आप चावल की जगह आप रोटी भी खा सकते हैं राजमा के साथ, पनीर की जगह मैं टोफू भी ले सकता था, लेकिन मैंने टोफू इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी एक सोया प्रोटीन का सोर्स मैंने
लंच में कंज्यूम कर लिया जो कि हमारे सोया चंक्स थे, और ज्यादा सोयाबीन कंज्यूम नहीं करना चाहिए एक दिन में, इसलिए मैंने यहाँ पे पनीर लिया है। अगर आप दिन में सोया चंक्स कंज्यूम नहीं करते उससे ज्यादा कुछ और कंज्यूम करते हैं तो आप जो है रात में पनीर की जगह टोफू भी खा सकते हैं। बहुत लोग जो है पनीर को अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है हाई अमाउंट में फैट होता है, लेकिन वो जो फैट होता है वो हेल्दी फैट होता है, वो बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस पनीर को खा सकते हैं या फिर आप जो है टोफू भी यूज कर सकते हैं। सो ये है हमारा डिनर और इसके बाद हम मिलते हैं मील नंबर 4 पे जो कि होगा हमारा बेड टाइम मील। सो गाइस ये है वो डाइट प्लान जो कि मैं इस फेज के दौरान फॉलो करने वाला हूँ। आपको जरूरी नहीं है कि आपको सेम टू सेम फॉलो करना है, आप जो है यहाँ से आइडियाज लेके अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं और अपनी डाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने फिटनेस गोल के हिसाब से। साथ ही साथ जो अमाउंट में प्रोटीन है इस डाइट में वो एक बिगनर एथलीट के लिए और एक इंटरमीडिएट एथलीट के लिए इनफ है, लेकिन अगर आप एडवांस एथलीट हैं यानी कि अगर आप बहुत हार्ड वर्कआउट करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर 1 से 2 स्कूप वे प्रोटीन ऐड कर देते हैं, वो जो है आपको 25 से 50 ग्राम प्रोटीन दे देगा। तो जो अमाउंट में प्रोटीन यहाँ पे है उसमें ऐड करके अच्छा अमाउंट में आपको प्रोटीन मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये कंपलसरी नहीं है कि आपको सेम टू सेम फॉलो करना है, आप अपने फूड सोर्सेज यूज कर सकते हैं, अपने फिटनेस गोल के हिसाब से जो है डाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए भी एक ऐसा डाइट प्लान बनाऊं जो कि हेल्दी फूड सोर्सेज बनाऊं जो कि आपको पसंद है, साथ ही साथ जो है आप उसे लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सके, तो आप क्या कर सकते हैं कि मेरे को आप इंस्टाग्राम में मैसेज भेज सकते हैं या फिर एक ईमेल भेज सकते हैं, और उसके बाद जो है मैं आपसे आगे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछूंगा जिनके आंसर के बाद जो है मैं आपके डाइट प्लान बनाने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। सो मैं होप करता हूँ कि आपको जो है डाइट और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त नमन सदेवा, चलता हूँ, टेक केयर, बाय।